संत का कामचोर पाठ का अध्ययन करेंगे जिसकी लेखिका है इसमत चुगताई जी। तो ये बड़ा ही हंसी मजाक वाला पाठ है विद्यार्थियों, इसमें आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। और हमारी आपकी बचपन की जो बातें हैं, बचपन में हम जो मस्तियां करते हैं, काम को सही नहीं करने का हमारा जो तरीका होता है, इस पाठ के अंतर्गत लेखिका ने बताया है। और एक महत्वपूर्ण बात, इसमें चुगताई जी जो हैं स्वयं से भी इस पाठ को जोड़ती हैं, अर्थात वो कहीं ना कहीं अपने बचपन की बातें भी इस पाठ में बताती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलो तो पहले मैं आपको एक पीपीटी दिखाऊंगी जिसमें आप जो है पीपीटी के माध्यम से आपका एक माइंडसेट हो जाएगा कि लेसन में क्या बताया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, ये इसमें चुगताई जी का चित्र यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका चित्र जो है यहाँ पर दिया गया है। और ये जो है इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक से नाम के अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस पाठ के लेखक का नाम हमेशा जो है आपसे पूछा जाता है। तो कामचोर पाठ की लेखिका का नाम आपको हमेशा याद रखना है, इसमें चुकता है, एक अंक का प्रश्न यहाँ से अवश्य रहता है। ठीक है, इनका जन्म जो है 1915 में होता है, 91 में इनकी डेथ हो जाती है। उर्दू की ये लेखिका थी, इनको आपा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इन्होंने महिलाओं के जो मुद्दे हैं नए सिरे से उठाए थे, और ये निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम तबके की दबी कुचली सकुचाई और कुमलाई लेकिन जवान होती लड़कियों की मनोदशा को उर्दू कहानियों व उपन्यासों में पूरी सच्चाई से बयान करती हैं। ठीक है, पाठ में प्रवेश में हम देखेंगे पाठ प्रवेश में क्या है। ये कहानी कामचोर बच्चों आप सभी समझते ही होंगे, कामचोर क्या होता है, काम से जी चुराने वाले। आप लोगों की कक्षा में, आपके आसपास, आपके बहन भाई, बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कामचोर तरीके के होते हैं, अर्थात आलसी बच्चे होते हैं। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं, उन्हें खेलने कूदने और मस्ती करने में ही आनंद आता है। इस कहानी में यही बताया गया है कि यदि बच्चों को काम करने का सही से दिशा निर्देश नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, बच्चे जो हैं काम को गलत तरीके से करते हैं, ये इस पाठ में बताया गया है। तो ये सबको ध्यान रखना है। और क्या है, काम सही तरीके से न होने से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, घर वाले दुखी हो जाते हैं। आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपने घर वालों को परेशान अवश्य किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ का सारांश। इस कहानी में लेखिका ये बताती है कि कामचोर बच्चे से काम कराने से पहले सही तरीके से उसे काम करना सिखाना चाहिए, नहीं तो बच्चे सब उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं। इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो आपको इतना ज़्यादा आनंद आएगा, इतनी ज़्यादा हंसी आएगी, और आपके कुछ तरीके, आपने भी ऐसे काम अवश्य किए होंगे, आपको याद आएंगे। ठीक है, तो पहले आप पीपीटी देख सकते हैं, ये जो है इस पाठ का एक छोटा सा अंश मैंने दिखाया है, छोटा सा चित्र लिया है। जब बच्चे जो है गाय का दूध दोहने की कोशिश करते हैं, और एक ही गाय के चार थन जो है, चारों थनों में बच्चे दूध दोहने के लिए लग जाते हैं, और बच्चे के और गाय को जो है किससे बांध देते हैं, इस चारपाई से बांध देते हैं, जिस पर क्या कौन सोए हुए होते हैं, एक आदमी सोया हुआ होता है। ठीक है, और जब गाय को गुस्सा आ जाता है तो गाय क्या करती है, आदमी समेत इस खटिया को उठाकर ले जाती है,